असल स्टूडेंट्स आई एम अंजम शफेको टीचर फॉर बायोलॉजी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रेन सर जी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्कीमेटिक डाग्राम ड्रा करने लगूँ जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे डिवीजन्स ऑफ human nervous system so human nervous system it is divided into two main parts central nervous system or which we called as c n s and number two is the peripheral nervous system or which we called as p n s so difference पहले चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इसकेटविजन को देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू फर्दर मेन पार्ट्स नंबर वन इज द ब्रेन नंबर टू इज द स्पाइनल कॉर्ड अब पहले देखते हैं ब्रेन को ट्रेन इज फर्दर डिंग इन टू थ्री मेन पार्ट्सूडेंट्स ये एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव व्यू दे रहा हूँ जो कि हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने चाह रहे हैं इस फ्लो चार्ट से आपको ये हेल्प मिलेगी कि हम एक्चुअली कौन सी जगह पर हैं जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे इस डायग्राम से उससे आपको हेल्प मिले होगी कि, कि हम नर्वस सिस्टम के कौन से हिस्से पर हैं और एक लॉजिकल फ्लो uh, बनेगा हमारा आगे चलने की तरफ सो so ब्रेन के आगे फर्दर थ्री डिविजन्स द फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन और इसी तरह से फिर फोर ब्रेन फोर ब्रेन की फर्दर आके तीन सब डिविजन्स नंबर वन द थैलमस नंबर टू द हाइपोथैलमस And number three, the cerebrum. You see, there is a difference. Hindbrain KB further thin subdivisions. The first one is pons, the second one is medulla oblongata. and the third one is cerebellum. so dear students ये difference याद रखना है cerebrum और cerebellum cerebellum is the part of hind brain while cerebrum is the part of forebrain. और जो mid brain है जो बहुत reduced होता है इसके further कोई हम आगे divisions नहीं पढ़ते इसी तरह से स्पाइनल कोड सो स्पाइनल कोर्ड के हवाले से इंफॉर्मेशन याद रखनी डियर स्टूडेंट्स के यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं स्पाइनल नर्व्स और जो कि स्पाइनल नर्व्स इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स ये सारी मिक्स नर्व्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स उसके बाद आते हैं माइटर स्टूडेंट्स पेरीफ्र नर्वस सिस्टम पे द पेरेफर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पाथवेज इससे दो पाथवे बनते हैं एक है सेंसरी पाथवे और दूसरा है मोटर पाथवे पाथवे मतलब कि वो नर्व ट्रैक्ट्स हैं जो मैसेजेस लेके आएंगे या लेके जाएंगे सो डियर स्टूडेंट्स सेंसरी पाथवे का तो सिर्फ एक ही काम ओनली वन जॉब, दैट दे विल कैरी ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जबकि जो मोटर पाथवे हैं ये दो आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होंगे और ये दो तरह के सिस्टम्स को डेवलप करेंगे एक कहलाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकेंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्टूडेंट्स इसका सिर्फ़ एक ही काम कि चूँकि मोटर पाथवे है मतलब कि ये मोटर न्यूर से बना हुआ है और मोटर न्यूरॉन्स का क्या फर्क क्या फंक्शन था उनका ये फंक्शन था कि वो मैसेजेस रिसीव करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और उसको डिलीवर करते हैं टुवर्ड्स द इफेक्टर्स तो ये मोटर न्यूरॉन्स का जो है असल काम लेकिन अगर वो मोटर न्यूरॉन हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ पर चला जाए तो उसे हम कहेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम सोमैटिक इज फ्रॉम सोमा सोमा इज फ्रॉम बॉडी और यहाँ पर इसका मतलब है द टूवर्ड्स द स्केलेटल मसल्स जो स्टूडेंट्स आपको याद है कि आपने प्रीवियस क्रियड में पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं स्केलेटल मसल्स स्मूथ मसल्स एंड थर्ड वन आता कार्डिक मसल्स सो स्टूडेंट्स इन तीनों कैटेगरीज के अंदर ये तीन डिफरेंट टाइप्स के जो इंसानों के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर जो मसल्स हैं इनमें सिर्फ एक ही ऐसा मसल है जो कि हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है वॉलेंट्री यानी कि कॉन्शियस कंट्रोल है जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं यानी कि जैसे मैं अब लिख रहा हूँ अपनी मर्जी से सो आई एम राइटिंग विद माई स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं दीज आर द मसल्स विच आर अटैच द स्केलेटन जो हमारा ढांचा है हमारा जो एंडोस्केलेटन है उसके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं हमारी हड्डियों के साथ उसे हम कहते हैं स्केलेटर मसल्स और याद रखिएगा जितने भी स्केलेटर मसल्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ अस बाकी इंशाल्लाह जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बारी आएगी तो तब मजीद डिटेल के साथ इसको हम स्टडी करेंगे और याद रखिएगा सिर्फ सोमेटिक नर्वस सिस्टम किसको सप्लाई किया जा रहा है स्केलेटल मसल्स को यहाँ पर माइडियो स्टूडेंट्स एक एम सी पूछा जा सकता है दैट सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स और फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स उसमें आपको तीन ऑप्शन हो सकती हैं लाइक एल्फा स्केलेटल मसल्स बीटा इज स्मूथ मसल्स एंड चार्ली इज कार्डिक मसल्स एंड डेल्टा नन ऑफ दम सो द करेक्ट आंसर विल बी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सोमेटिक नर्वस सिस्टम सो द करेक्ट आंसर इज द स्केलेटल मसल्स अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तो ये भी मोटर पाथवे का ही हिस्सा है इसकी दूसरी सब डिवीजन है ये दूसरा सिस्टम है जो कि मोटर पाथवे से निकल रहा है मतलब कि ये मैसेज रिसीव कहाँ से कर रहा है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लेके कहाँ पर जा रहा है टुअर्ड्स द इफेक्टर्स तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस पर ज़रा नाम पे गौर करें डियर स्टूडेंट्स ऑटो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ खुद से मतलब कि ये हमारी कंट्रोल के अंदर नहीं है सो दिस इज इनवॉलेंट्री ठीक है ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में था वॉलंट्री कंट्रोल में था जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसके हवाले से जस्ट एक चीज लिखनी है इट इज इनवॉलेंट्री एंड इट इज स्प्लाइड इसमें चंद एक एग्जाम्पल लिख लग रहा हूं टू हार्ट यानी कि कार्डिक मसल्स एंड द विजरल ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव ट्रैक यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्टिंग फ्रॉम एसोफिकस टू द एन एस ऑल ऑफ द सिस्टम इज नॉट और अंडर कंट्रोल क्योंकि टोटली कंट्रोल कर रहा है इसको ऑटोनॉमिक सिस्टम इसी तरह से रेस्पायरेटरी सिस्टम लेकिन याद रखिएगा रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो पैसिज वे के मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं डायफ्राम का मैं आपको बताया था कि वो स्केलेटल मसल है और उसमें जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यानी कि रिब मसल्स, वो भी स्केलेटल मसल्स हैं इसके अलावा जो हमारे पैसिज वे बना रहे हैं ट्रिकिया ब्रोंकाय एंड ब्रोंक्योल्स इनके अंदर जो मसल्स हैं they are basically the examples of smooth muscles, and these are controlled by the autonomic nervous system. Now my dear students, autonomic nervous system, it is further divided into two branches, into sympathetic and parasympathetic nervous system. सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरा सिंपथेटिक नर्वस अब जो सिर्फ एक एक लाइन में उनको डिफाइन करता चलू जो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट होता है इट एक्टिवेट्स ड्यूरिंग The emergency situations. While the parasympathetic nervous system it is activated during resting conditions. यानी कि जब भी हमें कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है लाइक like आपने भागना है दौड़ना है कोई लड़ाई हो रही कोई झगड़ा हो रहा है आपके पीछे कोई शख्स भाग रहा है आपने उसे दूर भागना है आपके पीछे ख़तरा है सो तो उस सिचुएशन के अंदर या आप सो रहे थे अचानक से ड्रोनो ख्वाब देखा और आप एकदम से हड़बड़ा कर उठ गए उस वक्त भी हमारा जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड होता है और जब वो सिचुएशन जब एमरजेंसी की सिचुएशन ओवर हो जाए मतलब वो ख़त्म हो जाए तो उस वक्त एक्टिवेट होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम वो जो कुछ भी एक्टिवेट हो चुका था जो ज़रूरत से ज़्यादा एबनॉर्मल हो चुका था उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उन सारी चीज़ों को वापस अपनी नॉर्मल जो लिमिटेशंस हैं जो नॉर्मल बाउंड्रीज हैं उनमें लेके आता है लट सपोज कि जैसे सिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो पैरासिपथैटिक नर्वस सिस्टम जब वो सिचुएशन ओवर हो जाए यानी जो आप इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है तो तब पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम उसको वापस हार्ट को नॉर्मल जो आपकी हार्ट रेट है सेवन टू एटी बीट्स पर मिनट के हिसाब से नॉर्मल ले आएगा सो डियर स्टूडेंट्स ये तो जो जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन थी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपको पूरा नर्वस सिस्टम का क्लास जो क्लासिफिकेशन बताई और इसमें हम अब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले चंद लेक्चर्स के अंदर सो so, आज के लिए एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है आज हम ब्रेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि ब्रेन की आगे जो डिविजन्स हैं वो किस तरह से हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं तो उसमें देखते हैं हम सोजेस्ट फ्रेंड्स आज ब्रेन के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लें इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ फिर उसके बाद देखेंगे कि मज़ीद इसकी सब डिविजन्स क्या क्या हैं और उनमें उनकी भी डिटेल्स देखेंगे कि वो किस किस पर्पज़ के लिए बनी है सोजेस्ट फ्रेंड्स ब्रेन एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता चलूँ आपके लिए फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ब्रेन के हाले से याद रखिएगा एक तो जो ब्रेन है इट इज़ हाइली डेवलप्ड इन ह्यूमन्स इंसानों के अंदर सबसे बेस्ट जो इसकी क्रिएशन है हुई हुई है ब्रेन की नंबर टू एक एडल्ट के अंदर तकरीबन तकरीबन तीन पाउंड तक इसका वेट हो सकता है अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो टोटल बॉडी वेट के अतबार से देखें तो ये सिर्फ टू परसेंट बनेगा जबकि हम अगर इसकी साइज़ के एतबार करें तो साइज़ भी मतलब कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं आ, उसमें एक एवरेज यानी कि जो छोटा फुटबॉल साइज है उसी का होता है अब आई डी स्टूडेंट्स बात करते हैं ब्रेन के कुछ आ, वो चीजें जो कि हमारे बुक के अंदर मैंशनड है सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रोटेक्शन को डिस्कस करें इट इज प्रोटेक्टेड बाय थ्री टू फोर वेज सो फर्स्ट वे जिसमें इसके प्रोटेक्शन है दैट इज क्रेनियम नेक्स्ट चैप्टर में uh, इनशाला डिटेल से पढ़ेंगे मूवमेंट्स uh, वाले चैप्टर में कि स्कल हमारा जो ढांचा है उसकी सारी डिटेल पढ़नी है इसमें दो सौ छः हड्डियाँ हैं तो स्टार्ट हम उसको करते हैं एक्सल स्केलेटन से और अपेंडिकुलर स्केलेटन से तो एक्सियल स्केलेटन का जो सबसे पहला हिस्सा है दैट इज़ दिस स्कल और स्कल जो होता है उसकी दो डिविजन्स होती हैं एक उसकी क्रेनियम और दूसरा उसका फेशियल बोन्स यानी वो हड्डियाँ जिससे हमारा चेहरा बनता है यानी चेहरे की हड्डियाँ उन्हें कहा जाता है फेशियल बोन्स और वो स्कल का हिस्सा जिसके अंदर एनक्लोज है हमारा ब्रेन उसे हम कहते हैं क्रेनियम सो so, क्रेनियम जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज पार्ट ऑफ अभी आपको बताया स्कल हमारे जो खोपड़ी है ये उसका हिस्सा होता है उसके दो हिस्से हैं क्रेनियम एंड द फेशियल बोन्स क्रेनियन बोल्स अच्छा यहाँ पर चूंकि आगे चल के भी हमने इसको डिस्कस करना है तो आपसे याद रखना है जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि प्रिवेस हमने पढ़ा था तो कितनी बोल्स मैंने आपको बताई थी ठीक so, है सो जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो क्रेनियल बोन्स हैं दे आर एट इन नंबर एट इन नंबर आठ होती हैं हड्डियाँ क्रेनियम की टोटल स्कल की हड्डियाँ बाईस होती हैं ट्वेंटी टू बोल्स आती है उनमें से एट जो है वो क्रेनियल हैं और फोर्टीन जो है वो फेशियल हैं अब थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए बताता चलूँ कि इसमें आठ हड्डियाँ कौन कौन सी हैं कहाँ कहाँ पर हैं यहाँ पर सामने एक है फ्रंटल फ्रंटल बिल्कुल पीछे यहाँ पर ऑक्सीपिटल यहाँ पर ये यह दो पेराइटल फिर उसके बाद इस तरह यहाँ पर ये यह कान के बिल्कुल पास ये टेम्पोरल ठीक है माईडियर स्टूडेंट्स और फिर एक स्फिनॉइड और एथमॉइड ये आंखों के अंदर वाले साइड्स पे मौजूद होती हैं तो ये आठ हड्डियाँ हमारी क्रेनियल बोल्स कराती हैं और इसी के अंदर मौजूद है हमारा ब्रेन अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग नेचुरल फैक्ट बताता चलूँ आपने अखरोट देखा होगा अखरोट को जब हम खोलते हैं उसको तोड़ते हैं तो जो उसकी रिजम्बलेंस है बिल्कुल ऐसी है उसकी ऊपर वाले हिस्से की जो उसका शेल होता है जिसको हम नट शेल कहते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हमारी क्रेनियम जैसे कि हमारे ये खोपड़ी होती है बहुत ही हार्ड और उसके अंदर जो आ, उसकी गिरी होती है वो बिल्कुल एक्जैक्टली रिजम्बल करते बाय शेप ओनली जस्ट ओनली शेप टेक्सचर की बात नहीं कर रहा करूँ शेप के बात कर रहा करूँ तो शेप के अतबार से वो बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रेन है इसी तरह से चूँकि ब्रेन इट द मोस्ट डेलीकेट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी तो इसको अल्लाह तला ने एक हार्ड केसिंग के अंदर एनक्लोज किया और उस केसिंग को हम कहते हैं क्रेनियम और इन बोन्स को कहते हैं क्रेनियल बोन्स विच आर एट इन नंबर नंबर टू डियर फ्रेंड्स जो प्रोटेक्शन ऑफर की जा रही है दैट इज दिब्रो स्पाइनल फ्लूड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एब्रिवेट करते हैं सी एस एफ सेबरो स्पाइनल फ्लूड तो पहली बात तो ये कि फ्लूड है मतलब कि इट्स अ लिक्विड सेरिब्रो का मतलब है यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल का मतलब है यहां पर स्पाइनल कॉर्ड यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देर इज अ लिक्विड विच फ्लोज इन तैम और ये ऑफर करता है प्रोटेक्शन वो किस तरह से करता है पहले मैं मैनजिस को बता लूँ क्योंकि ये मैनजिस के अंदर मौजूद है फिर उसके बाद आता हूँ इसकी तरफ के ये किस तरह से मौजूद होगा और कहाँ कहाँ पर मौजूद होगा द थर्ड स्ट्रक्चर विच इज ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू द ब्रेन इज द मैनजिस सो डे स्टूडेंट्स मैनजिस याद रखिएगा दीज आर थ्री लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दर थ्री लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट ओवर द ब्रेन ये ऐसे ही है जैसे कि लिहाफ दिया हो जैसे कि कोई एक एक्सटर्नल कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है तो इन ब्रेन के ऊपर मौजूद ये कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग्स हैं उन्हें कहते हैं मैनज और याद रखिएगा कि ये तीन लेयर्स हैं ये एमसीक्यूज पॉइंट है उससे आपने याद रखना है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर सो इट हैज थ्री लेयर्स अब ये लेयर्स कौन-कौन सी हैं जो स्टूडेंट्स आपको बताता चलता हूँ साथ में दिस थ्री लेयर आर जो सबसे बाहर जो मौजूद है दैट इज ड्यूरा मैटर उसके इनर साइड पे मौजूद है अराक्नॉइड मैटर और सबसे इनर मोस्ट साइड पे मौजूद है पाया मैटर अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करूंगा सपोज दिस इज द ह्यूमन स्कल दिस आर हेयर्स यहां से मैं जस्ट छोटा सा पैच उठाने लगाऊं इतना हिस्सा इसको कि यहां से जब हम इसको खोल के देखें तो हाउ वुड इट लुक लाइक ये कैसा दिखेगा तो इसकी मैं तरतीब आपको बताने लगाऊं लेयर्स के हिसाब से तो सबसे ऊपर मौजूद है स्कैल्प यानी जो स्किन है इसे हम कहते हैं स्कैल्प और यहां पर यह सारे आपको नजर आ रहे हैं आर हेयर्स जो हमारे बाल होते हैं उसके नीचे मौजूद है द बोन जिसको हम स्कल कहते हैं ये स्कल है ये हड्डी जो हमारी क्रेनियम भी कहलाती है ये क्रेनियल बोन है ये सारे ये बोन है मैं लेबल भी कर देता हूं उसके नीचे मौजूद है एक लेयर दैट इज द ड्यूरा मैटर ड्यूरा मैटर के नीचे मौजूद है एरेक्नॉट मैटर सो हेयर इज एरेक्नोइट मैटर और सबसे नीचे मौजूद है इनर मोस्ट साइड पे द पाया मैटर और उसके नीचे अब बारी है हमारे ब्रेन टिश्यू की तो यहां पर मौजूद है ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स सो दिस इज आवर ब्रेन तो ये इतना सा आपको पैच सिर्फ दिखाया नाउ आई एम गोइंग टू लेबल इट सो दीज आर द हेयर्स एंड दिस इज स्कैल्प जो स्किन है हमारी ब्रेन uh, क्रेनियम uh, के ऊपर एंड दिस कंप्लीट लेयर इज द क्रेनियम उसके नीचे मौजूद है द ड्यूरा मैटर उसके नीचे मौजूद है अरेकनाइड मैटर उसके नीचे सबसे इनर मोस्ट जो है लेयर इसकी दैट इज पाया मैटर और यह यहां पर बिल्कुल लास्ट में दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स और जिसको हम कहते हैं ब्रेन तो इसका मतलब ये हुआ कि इमीजिएटली ब्रेन के ऊपर क्या है पैरामीटर पायामीटर और मैटर के ऊपर क्या है एरेक्नाइड उसके बाद ड्यूरा ड्यूरा किसके साथ अटैच है वे बोन्स बोनस यानी कि जो क्रेनियम है और उसके ऊपर क्या मौजूद है स्कैल्प और उसके ऊपर है हेयर्स दीज थ्री ड्यूरा मैटर एरेक्नाइड मैटर एंड मैटर दीज आर द दिन ऑफ ब्रेन तो आप देख सकते हैं, यहां पर डायग्राम में भी ये नीचे ब्रेन मौजूद है हमारा दिस वन दिस इज आवर ब्रेन इनको अल्लाह ताला ने तीन लेयर्स की मदद से प्रोटेक्ट किया हुआ है. और यहां पर रेकनाइज जो मैटर है विल इसके अंदर मौजूद है द सी एस एफ द सेब्रोस्पाइनल फ्लूड सो डेस्टेंट सब आते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड के ऊपर जो सी एस एफ है ये दो जगहों पर मौजूद है इट इज प्रेजेंट ओवर टू प्लेसेस को मैं यहां पर नीचे शो करने लगाऊ एक तो मौजूद है ये इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन और दूसरा ये मौजूद है बिटवीन द मैनेजेज बिटवीन द मैनेजेस अब ये डिफरेंट वेंट्रिकल्स क्या है सो वेंट्रिकल्स दीज आर द स्पेस बिटवीन द ब्रेन ये हॉलो स्पेस होती है एक कैिटी होती है विच इज फिल्ड विद इट इज फिल्ड विद C.S.F. एस एफ ये सैरिबर स्पाइनल फ्लड के साथ भरी हुई होती है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता सिर्फ फॉर फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप याद रखना चाहें तो ठीक है नहीं तो आप देख सकते देर आर टू लेट्रुअल वेंट्रिकल्स दो लेट्रुल वेंट्रिकल्स मौजूद हैं जो कि सेरिबिरल के दरम्यान मौजूद हैं, उसके नीचे मौजूद है थर्ड वेंट्रिकल सो माइड्रोस्ट ये वेंट्रिकल्स के दिज आर स्पेसिस हमारा जो ब्रेन है ये हॉलो ऑर्गन है अंदर से कैविटी है स्पेस है और ये कैविटी और स्पेस क्या कहलाती है वेंट्रिकल और एक है फोर्थ वेंट्रिकल और याद रखना माई डयर स्टूडेंट जो फोर्थ वेंट्रिकल है इट इज कॉन्टिन्यूअस विद सेंट्रल कैनाल विच इज प्रजेंट इन दाइनल कॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक कैविटी है उसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल और ब्रेन के अंदर ये चार वेंट्रिकल्स होते हैं दो लेटरल एक थर्ड और एक फोर्थ इन के अंदर भी सी एस एफ फ्लो कर रहा है सो देर इज ऑल्सो प्रेजेंट तो लेट्रल वेंट्रिकल से होता है वो थर्ड वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ में और फोर्थ से फिर वो जाता है टू द सेंट्रल कैनाल एंड ऑल्सो बिटवीन द मैलेंजस तो यहाँ पर जो एरेक्नॉइड मैटर है यहाँ से ये इनके दरमियान इमेनेज़ के दरमियान मौजूद है और यहाँ पर बिटवीन द इनेज इट एक्ट्स एज अ कशन और शॉक एब्जॉर्बर सो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग हमारे जो ऊपर जहाँ पर देखिए हड्डी ब्रेन की जो हड्डी है यानी क्रेनिंग बहुत सख्त है और जो ब्रेन है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है बहुत ही नरम है जब आप भाग रहे हों चल रहे हों या जंप कर रहे हों कोई जॉल्टिंग मूवमेंट हो रही हो तो उस दौरान हमारे स्टूडेंट्स क्या हो सकता है कि जब ब्रेन जब टच करेगा इसको क्रेनियम को तो ये तो रप्चर हो सकता है ये फट सकता है तो इस चीज़ से बचाने के लिए अल्लाह हैज प्रोवाइडेड दिस मैनेज़स और इन मैनेज़स के में मौजूद है द सी एस एफ तो ये ऐसा ही है जैसे अब आप जंप करेंगे तो ब्रेन ऊपर को जाने की कोशिश करेगा लेकिन चूंकि इन मरीजेस के दरम्या मौजूद है सी एस एफ सी एस एफ क्या ये बिल्कुल पानी की तरह का प्लाज्मा की तरह का ही एक लिक्विड है जो प्लाज्मा हमारा ब्लड के अंदर होता है उससे थोड़ी बहुत वेरिएशन है इसकी वो फिर अगले किसी लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा तो ये, ये पानी की तरह का होता है ये जैसे ऊपर को जाने की कोशिश करेगा तो ये उसको कशन करेगा मतलब उसको सहारा देगा उसके शॉक को एब्जॉर्ब करेगा और ब्रेन को कभी भी डायरेक्टली टच नहीं करने देगा क्रेनियम के साथ सो स्टूडेंट्स ये प्रोटेक्शंस आपने याद रखनी है एक तो क्रेनियम नंबर टू इज़ द स्पाइनल फ्लड कहाँ कहाँ पर मौजूद और मैनेंजस सो जैसे स्टूडेंट्स देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इतने नर्म और इतने डेलीकेट ब्रेन को प्रोटेक्शंस ऑफर किए हुई हैं और एक एक नहीं दो दो नहीं तीन तीन प्रोटेक्शन्स ऑफर की हुई हैं इन फॉर्म ऑफ मैनेंजस इन फॉर्म ऑफ क्रेनियम इन फॉर्म ऑफ सी एस एफ सो so होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अनटिल देन अल्लाह हाफिज़